आप दुलालगढ़ हाट गए थे, आपने मुझसे कहा कि चलिए हमारे गांव का हाल देख लीजिए। यहाँ आने के बाद वाकई दिल बहुत टूट रहा है, अंदर से मैं बहुत अपने आप में ये महसूस कर रहा हूँ कि कैसे आप लोग जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह ही भला करे, और ये अल्लाह की मेहरबानी पे टिके हुए हैं, ये उनके कर्म की बात है, ये उनकी नवाजिश की बात है। वरना सही बात है कि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल काम है, मगर बावजूद उसके आप लोग बहुत दिलेरी के साथ, बहुत जवां मर्दी के साथ, जिस तरह से आप अपनी दिलेरी और जवां मर्दी के साथ इस नदी का मुकाबला कर रहे हैं, आज की डेट में आपको कोरोना का मुकाबला करना होगा, और साथ ही साथ आने वाले जो इलेक्शन का पीरियड आ रहा है उसमें पुराने लोगों को आपको खदेड़ के भगाना होगा। इसी जवां मर्दी के साथ अगर आपने भगाने का काम किया और ताली ठोक दी तो समझ लीजिए कि आपकी कामयाबी है, वरना आपको फिर इसी तरह से रहना पड़ेगा। और हम लोग देखते भी आ रहे हैं, हमारे बाप दादाओं के जमाने से यही सिलसिला चला आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस सिलसिला को रोकने के लिए आपके पास अब क्षमता होना चाहिए, इसलिए जरूरी इस बात पर आपको तवज्जो देने की है। और जरूरत भी यही है कि अगर हम तवज्जो नहीं देंगे तो हमारे बच्चे जैसे हम जिंदगी काटे फिर वैसे ही काटेंगे, इसलिए ऐसे लोगों को आप दूर कीजिए जो लोग आपको तंग करना चाहते हैं। ये इतनी बड़ी नदी, आदमी अगर बीच में चला जाएगा तो मेरे ख्याल में बेहोश होकर लौट नहीं पाएगा। इतना बड़ा पाठ है यहाँ से वहां तक। हम लोग इस वक्त अमोर विधानसभा में है, अगर उधर चले जाएंगे तो शायद वो किशनगंज विधानसभा में लगता होगा या कोचाधाम में लग जाता होगा। तो किशनगंज विधानसभा हम यहीं से बैठे बैठे देख रहे हैं, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। ये तो बिल्कुल निगाहों से ही सारा मामला चल रहा है, समझे कि नहीं। मेरी निगाहों के सामने में जैसे पहले जब वो रिलायंस आ रहा था तो कहा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, यहाँ तो कर लो पूरी दुनिया अपनी नजरों में। बड़े ताज्जुब की बात है। पहले कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को अब हौसला पैदा करना होगा, और मैं इस पोजीशन को देखने के बाद थोड़ा सा ये लाइव टेलीकास्ट चला है, ये देखिए ये नदी का किनारा देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये है यहाँ से दक्षिण की जानिब, है ना, ये दक्षिण की जानिब ये नदी का किनारा है, और थोड़ा सा दिखाइए यहाँ से उत्तर की जानिब, ये देखिए उत्तर की जानिब ये नदी का किनारा है, नदी का किनारा ये देखिए, ये बांस की झाड़ी है, ये पेड़ पौधे केले के पेड़ हैं, ये सारे पेड़ पौधे अगर गिर जाते हैं, मेरे ख्याल में नदी का कटाव इस वक्त कुछ रुका हुआ है, उसकी वजह यह है कि ये जो जड़ है, जड़ की बुनियाद पे नदी के कटान में थोड़ी सी रुकावट पैदा होती है, अब जब ये खत्म हो जाएगा, बांस की झाड़ी गिर जाएगी तो दो चार दिन में ये पूरा गांव नदी की जद में आ जाएगा। मैं अपने बिहार सरकार और केंद्रीय सरकार से ये आग्रह करना चाहूंगा, बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़े अदब के साथ, कि अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप वजीर आजम हैं, आप हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने मुल्क के लोगों का ख्याल कीजिए, और अगर आप नहीं ख्याल करेंगे तो फिर हमारा ख्याल कौन करेगा। मैं साथ ही साथ अपने बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी से कहना चाहूंगा, और फिर आप हमारे लिए करेंगे भी क्या नीतीश कुमार जी, ये बात भी सही है, आप हमारे लिए करेंगे क्या, हमें तो धोखा देकर के आप इधर से उधर की पलटियां मारते रहते हैं, है ना, सही बात यही, वो पलटियां मार रहे हैं। आज से पहले वो बयान दे रहे थे कि हमें बिहार से बीजेपी को हटाना है, आप लोग जान रहे हैं ना, बिहार से बीजेपी को हटाना है, तो इसका मतलब उन्होंने मुझे धोखा दिया, बीजेपी को हटाना है, और गठबंधन में आने के बाद उन्होंने अपनी सारी सीट मुकम्मल कर ली, और फिर सारी सीटों को लेने के बाद जिसके मुखालिफत कर रहे थे, जिसके खिलाफ बोल रहे थे, आज उसी की गोद में बैठ के सरकार चला रहे, समझ लगा मेरी बात, इसीलिए हमारे यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, हमारे साथ जितने लोगों ने अब तक किया वो धोखा ही किया है, चाहे वो बिहार सरकार हो, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, या कांग्रेस पार्टी से कोई भी हो, हमारे क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का एमएलए है ना, इतने साल 3 बार रह चुके, वो मिनिस्टर भी रह चुके, अब तक कुछ किया है, अब तक कुछ किया आप लोगों के लिए, कुछ भी नहीं, क्या मिनिस्टर हो गए फिर भी कुछ नहीं, 3 बार 4 बार एमएलए रह गए फिर भी कुछ नहीं, तो आप कब करेंगे, आप हम मर के मिट्टी में मिल जाएंगे तब करेंगे, नदी में कट के हम बह जाएंगे तब करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, इसीलिए आप हजरात से गुजारिश है कि आप लोग अपनी दिलजमी के साथ काम करने की कोशिश कीजिएगा, अब की बार इंकलाब लाना है, ठीक है, अब की बार इंकलाब लाना है, और इंकलाब लाने का मतलब हुआ कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाबे मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब के बाजू को आपको मजबूत करना होगा, अगर आपने अख्तरुल ईमान साहब के बाजू को मजबूत कर दिया, समझ लीजिए आपका बाजू मजबूत है, आपका दिल और आपका दल मजबूत है, इसलिए अख्तरुल ईमान अगर जिंदाबाद है तो आप जिंदाबाद है, अख्तरुल ईमान की
जिंदाबाद है तो असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद है, और जब असदुद्दीन ओवैसी आपके जिंदाबाद हो जाएंगे तो पूरे भारत में हर मसले के लिए आवाज उठाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इसलिए क्या असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के शेर का नाम है, शेर बब्बर का नाम है, वो न किसी से डरता है न किसी के खौफ खाता है। अगर वो डरता है तो सिर्फ अपने रब से डरता है। उसका ऐलान है, न मैं डरता हूँ किसी दुनियादार से, न मैं डरता हूँ किसी मालदार से, न मैं डरता हूँ किसी सरकार से, अगर मैं डरता हूँ तो फकत अपने परवरदिगार से। माशाल्लाह, बेशक बेशक बेशक, साथ देना होगा, ठीक है।